लाइट, ये आप मजदूरी भुगतान में या मटेरियल? बेसिकली वहाँ तक पहुँचाने में जो भी प्रक्रिया आती है वो हम संबंधित सप्लायर के मटेरियल कंपनी को मजदूरी का भुगतान माना, क्योंकि इसमें मजदूरी का ज़्यादा हिस्सा रहे। कौन सा राज्य से कुछ है? राजस्थान है इसका एक राज्य कर लेंगे एक साथ ही। ये जो आप इसमें जो अधिकांश जो पेमेंट आपका रुका हुआ है प्रदेश स्तर में, ये क्या कहते हैं गिट्टी और ये सामग्री में आता है, तो इसको हम लोग क्योंकि ये इट इन्वॉल्व्स अ हैवी लेबर कंपोनेंट, लेकिन सभी जगह संभव नहीं है। जो मानव का कार्य होता है उसको भी नहीं दिया जाता है। ये मिक्स में थोड़ा सा जो हमारे जिले में अच्छा काम चल रहा है उसके बारे में, अगर आपका पेमेंट तो हो गया और मटेरियल का भी हमारा फ्यूचर हो गया मटेरियल हमारा होता है शेष और पेमेंट हमारा शेष तो एक दिन के लिए 40 करोड़ रुपये एक बार में उत्पन्न कराएंगे केवल ये मनरेगा के जो से हम बात करते हैं और हमारे जिले का किसान के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें हमने नरेगा और जो राज्य केंद्र शासन की विभिन्न योजनाएं उसका कन्वर्जेंस करके आज जिला एक समूह के महिलाओं का इनकम में महत्वाकांक्षी योजना जो ये 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुई है वो स्वच्छ भारत मिशन है। इसमें ये जो महत्वपूर्ण आयाम है उसको इस स्लाइड द्वारा दर्शाया गया है। नेक्स्ट, जैसे वर्ष जब शुरुआत हुआ था तो सर्वप्रथम निर्देश ये थे कि नरेगा एवं स्वच्छ भारत अभियान जो उस वक्त था उसके कन्वर्ट लगभग 5500 उसके तहत जिले में टॉयलेट का टारगेट था। 2 अक्टूबर के पश्चात जब स्वच्छ भारत मिशन आया तो उसमें लगभग हमारा 9000 का टारगेट हमने रखा था। इस साल सुपरस्ट्रक्चर पूरे खड़े हो गए हैं और इस हम ये आशा करते हैं कि इस महीने के अंत तक इसका हो जाएगा। प्रस्तावित किया है तो आपको बताना चाहूँगा कि जिले में लगभग 1,67,000 टॉयलेट आगामी 5 वर्षों में बनने हैं। उसमें आगामी वर्ष में ग्राम पंचायतों का हमने चयन कर दिया है। चयन में ये देखा गया है कि जहाँ पर नल जल योजना है उन्हीं गाँव में प्राथमिकता में उन्हीं गाँव का चयन हमने इसमें किया है। आगे मैं इंदिरा आवास योजना के बारे में बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में इंदिरा आवास की करीब 2014-15 में हमारा लक्ष्य लगभग 2786 इंदिरा आवास बनाने का था, क्योंकि हमें साल की पेंडिंग है और जो आगामी साल के लिए जो है उसमें मिला के हमने 2312 कम्प्लीट कर लिया है जो भी शीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। इसके अलावा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो वनाधिकार जो हमने एक साथ बना लिया है उसमें लगभग 0 शेष। इसके अलावा 2013-14 में 2000 जिले में लोग हैं उनके लिए स्वीकृत हुए थे उसमें से 1500 लोगों ने कंप्लीट कर लिए और केवल अभी 1100 शेष है। इतने प्रगति के बारे में बात करते हैं तो लगभग हमारे पास पुराने साल का शेष 21 करोड़ रुपये था और इस साल हमें ज़्यादा राशि शेष है क्योंकि इसमें से 10 करोड़ हमें पिछले माह ही प्राप्त हुआ है और हमारे ऑलरेडी 6 करोड़ का भुगतान एक महत्वपूर्ण इसका ये राशि लाख में ये लैक्स ये 20 करोड़ हम महिला सशक्तिकरण का काम करते हैं और समूह बनाना उनको उनको ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। इसके अलावा इस क्षेत्र के जो जल का स्तर होता है उसको बढ़ने में प्रधानमंत्री की जो ड्यूटी जिला पंचायत की और पास ऊपर करो मैं पाए लंबाई की 5.3 नहीं आपका नहीं ले रहा हूँ।